इंदौर के समीप हातोप थाना क्षेत्र के पालिया में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ता और मंत्री के समर्थक ने दो बेटों के साथ मिलकर एक सलून संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान गोली के छर्रे लगने से बेटा और पत्नी भी घायल हो गए। दोनों को निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया है। घटना शहर के पास ग्राम पालिया में करीब 5:15 बजे हुई। यहां अरुण शर्मा और उनके बेटे नवीन व पंकज ने 65 वर्षीय नेमीचंद तंवर को गोली मारकर हत्या कर दी। घायल के अनुसार आरोपी अरुण शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ता है और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का समर्थक है और मृतक नेमीचंद बीजेपी का कार्यकर्ता था। चुनावी रंजिश के चलते यह हत्या की गयी। तो उसके बाद में 5:15 बजे घर पर गोली आकर मार दी। अरुण शर्मा ने उसके दो लड़के एक नवीन ने एक पंकज। कितने लोग गोली लगी दादा? कितने लोग घायल हुए पूरे घटना में? एक मेरा अंकल नेमीचंद तो शांत हो गया। उनके लड़कों बसंत को भी हाथ में लगी और मेरी आंटी थी जो पुष्पा भाई उनको सिर में लगी। जो मारने वाले क्या कांग्रेस से रिलेटेड है? मरने वाले क्या बीजेपी? क्या बात, किस बात को लेकर वोट डालने को लेकर? वोट डाल के आगे थे, उसके बाद बाहर क्या बीजेपी को वोट डाल दिया इसको लेकर? क्या बात, क्या वोट डालने को मना दिया? वोट डालने से उसने मना किया कि इसमें वोट क्यों डाला तुमने, तुम 90 और इसी में वोट डाल दो उसने बोला। अच्छा, बीजेपी को वोट डालने को लेकर? घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में चुनावी रंजिश की बात सामने आई है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसमें एक व्यक्ति है नेमीचंद, इनको गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई है और अभी घटनाक्रम स्पष्ट किया जा रहा है। अभी हम रिपोर्ट ले रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी को वोट देने की बात करें या कांग्रेस को? देखिए, अभी पूरी विस्तृत पूछताछ होगी और जो FIR होती है तो फिर आपको स्थिति से आप बीजेपी। फिलहाल आरोपी फरार है जिनकी तलाश जारी है। घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है।